मैं देख रहा हूं कि बार बार चर्चा आती है, लेकिन 10 फार एंड नो फर्दर एक बार पूरा हो जाना चाहिए। ये बात सही है कि कुछ लोगों के लिए लगाव होता है, अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनको परेशानी हो जाती है, जैसे नाम न आने से भी जैसे अपमानित कर दिया ऐसा महसूस होता है, हो सकता है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, 2004 से पहले देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो वो रखें। इतना ही नहीं, ये अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे रखें। और वो बड़े बड़े लोग थे, मैं उनकी बराबरी में कुछ नहीं हूं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं, लेकिन लाल किले पर से शायद, वेरीफाई करना चाहिए, शायद मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने दो बार ये कहा है कि आजादी से लेकर के अब तक केंद्र की और राज्य की जितनी भी सरकारें हुई, समना सबका देश को आगे ले जाने में योगदान है। इस सदन में भी अनेक बार मैं कह चुका हूं, आज दोबारा कहता हूं, हम वो लोग नहीं हैं, और इसलिए बार बार ये कहना, हां उनकी अपेक्षा है वो ही नाम आए वो एक अलग बात है, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं, हम लोगों का कैरेक्टर क्या है, हम लोगों का चरित्र, हमारी सोच क्या है, जानकारी के लिए, तभी आपको समझने में सुविधा होगी, सबको नहीं होती है। गुजरात में मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला, गुजरात के 50 साल हुए थे, गोल्डन जुबली ईयर था, उस गोल्डन जुबली ईयर का अनेक कार्यक्रम किए, सबको साथ लेकर के किए, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम मैं आज यहां बताना चाहता हूं, मैंने सूचना की सरकार को कि 50 साल में जो राज्यपाल महोदय के भाषण हुए हैं उन भाषणों को कंपाइल करके उसका एक ग्रंथ निकाला जाए और वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनना चाहिए। अब मुझे बताएं कि 50 साल तक गवर्नर का भाषण मतलब किसका भाषण था, उस समय की सरकारों की एक प्रकार से वाहवाही कहो या उस समय की सरकारों के काम की का उसमें लेखा जोखा था, हमारे दल की सरकारें नहीं थी, लेकिन ये हमारी सोच का हिस्सा है कि शासन चलाने की व्यवस्था में जो भी है देश को आगे ले जाने में जिसकी भूमिका है, और वो पूर्णतया सकारात्मक था, किसी अखबार के एडिटोरियल का कंपाइलेशन नहीं छापा था, गवर्नर के भाषणों का छापा है और आज भी उपलब्ध है, जाकर के देखे। और इसलिए ये कहना कि देश में पहले के जो काम हुए उसको हम बिल्कुल गिनते ही नहीं हैं और बार बार हमको सुनाते रहना, ये सुनाने का उन्हीं को हक है जिन्होंने कभी किसी को स्वीकार किया हो, वरना देश को लगता था कि उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलता, उनके कार्यकाल में पहली टर्म के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलता, लेकिन परिवार के बाहर के व्यक्तियों को कुछ नहीं मिलता है। ये हम हैं, हमारी सोच है, प्रणव दा किस दल से थे, किस पार्टी के लिए उन्होंने जीवन खपाया उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं, उनके देश के लिए योगदान था भारत रत्न का निर्णय हम कर सकते हैं।
और इसलिए कृपा करके मैंने ये कहने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार ये हमको सुनाया जाता है तो फिर दस फॉर एंड नो फर्दर। आज मैं रिकॉर्ड पर ये चीजें रखना चाहता हूं कि ऐसा कृपा करके बार बार मत बोलिए। हम किसी के योगदान को नकारते नहीं है जी। और जब हम कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाया, तो 125 करोड़ देशवासियों में सबको आते हैं जी। और इसलिए कृपा करके हम चर्चाओं को इतना छोटा न बना दें।